नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप रोज़ हमारी ये वीडियो है देखते हैं, कैसी लगती है आपको? हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ आए, हम सरल से सरल बनाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो है कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4, नाम है मानचित्र। बच्चों, आपको याद होगा आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ा था, इस अध्याय में आप मानचित्र के बारे में पढ़ोगे। बच्चों, मुझे ये बताओ एक बात आप, कि जब हमें विश्व का अध्ययन करना होता है तब हम ग्लोब को देखते हैं, पर अगर आपको अपने भारत का अध्ययन करना है या अपने राज्य का अध्ययन करना है तब क्या आपको ग्लोब में साफ साफ दिखाई देगा? शायद आपका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि ग्लोब में आप महाद्वीप का और देशों का, महासागरों का अवस्थिति व देशों के आकार को देख सकते हो कि कौन सा महाद्वीप जो है या कौन सा देश जो है कितना बड़ा है। पर बच्चों, अगर आपको अपने भारत को अच्छे से देखना हो, भारत के हर राज्य को अच्छे से जानना हो, राज्य के साथ साथ अपने जिलों को देखना हो, तो क्या आपको वो ग्लोब में दिखाई देगा? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ग्लोब में सिर्फ और सिर्फ बड़े चीज़ों को ही दिखाया जाता है। पर अगर आपको अपने गांव का मानचित्र देखना हो, अपने जिले का मानचित्र देखना हो, अपनी तहसील का मानचित्र देखना हो और अपने राज्य का मानचित्र देखना हो, तो आपको उसके लिए मानचित्र का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो आओ बच्चों, आज हम मानचित्र के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों अथवा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में बच्चों, हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतहों पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो आओ बच्चों, मैं आज आपको मानचित्रों के प्रकार बताती हूँ। अभी तक आप छोटी कक्षा में थे तो आपको मानचित्र के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो आओ सबसे पहले हम मानचित्र के प्रकारों के बारे में जानें। मानचित्र के यहाँ मुख्य तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, भौतिक मानचित्र। भौतिक मतलब प्राकृतिक आकृतियों को दिखाया जाता है इसमें, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर। जिन मानचित्र में ये सब दर्शाए जाते हैं उन्हें भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा भौतिक मानचित्र। दूसरा मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हमारे राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्रों को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आओ बच्चों, तीसरा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इनमें एक ही थीम को लिया जाता है, इसीलिए इन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे सड़क मानचित्र में सिर्फ
आपको सड़कें ही दिखाई जाएंगी। वर्षा मानचित्र में आपको सिर्फ वर्षा के क्षेत्र दिखाए जाएंगे कि कहां पर अधिक वर्षा होती है, कहां पर मध्यम वर्षा होती है और कहां पर कम वर्षा होती है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें सड़कें दिखाएंगे उन्हें सड़क मानचित्र, जिसमें वर्षा दिखाएंगे उन्हें वर्षा मानचित्र, इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं मानचित्र के तीन घटक की। वो तीन घटक कौन से हैं बच्चों? पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। आओ बच्चों हम इन सभी को अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ये पैमाना क्या होता है बच्चों? आओ हम पैमाने की परिभाषा समझ लें। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को कहते हैं। कोई भी आरेख मानचित्र तभी कहलाता है जब उसमें पैमाना या स्केल का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। अब मैं आपको इसे एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। बच्चों आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी मान लो 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करना है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आओ बच्चों पैमाना तो हमने जान लिया, अब हम जानें कि पैमाने के आधार पर मानचित्रों को कितने भागों में बांटा है। तो बच्चों मानचित्रों को पैमानों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग छोटे पैमाने वाला मानचित्र और दूसरा भाग बड़े पैमाने वाला मानचित्र। आओ बच्चों इसकी परिभाषा को समझे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उदाहरण है एटलस मानचित्र व दीवारी मानचित्र। बच्चों एटलस मानचित्र क्या होती है? ये बड़े आकार वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और दीवारी मानचित्र, इनका उपयोग भूगोल की कक्षा में होता है, ये दीवार पर लगाए जाते हैं। और बच्चों बड़े पैमाने वाले मानचित्र, बड़े पैमाने वाले मानचित्र भी दो प्रकार के होते हैं। भूसंपत्ति मानचित्र क्या होता है बच्चों? इन मानचित्रों को कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण तथा नगरों में व्यक्तिगत मकानों के प्रतिरूप को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र भूमि कर व लगान आदि के रिकॉर्ड के लिए बनाए जाते हैं।
और दूसरा इसका उदाहरण है स्थलाकृति मानचित्र। तो बच्चों, बड़े पैमाने मानचित्र और छोटे पैमाने वाले मानचित्र में आपको अंतर समझ आ गया होगा। आओ बच्चों, अब हम दूसरा घटक देखें। दूसरा घटक है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। बच्चों, चित्र 4.2 में देखो, आपको यहाँ पर दिशाएं दिखाई दे रही हैं। ये चार मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, इसके बिल्कुल ठीक नीचे दक्षिण और इसके आसपास पूर्व एवं पश्चिम। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएं भी हैं, ये देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये दिक्सूचक क्या होता है बच्चों? आओ देखें। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। ये चित्र में आप ध्यान से देख सकते हो। आओ बच्चों, अब तीसरे घटक की बात करें। तीसरा घटक है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। आओ बच्चों, चित्र 4.3 देखें। यहाँ पर कुछ रूढ़ चिन्ह दिखाए गए हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले रेलवे लाइन। आपको यहाँ पर तीन तरह की दिख रही है। पहली वाली है बड़ी लाइन, दूसरी वाली है मीटर लाइन और तीसरी वाली है रेलवे स्टेशन। आप यहाँ देख सकते हो RS लिखा हुआ है। RS का मतलब रेलवे स्टेशन। आओ बच्चों, दूसरा प्रतीक देखें, सड़कें। कैसी सड़कें? दो तरह की, पक्की और कच्ची। तो बच्चों आप देखो, पक्की सड़क में सीधी दो रेखाएं हैं, जबकि कच्ची सड़क में ये रेखा कटी फटी है, तो इसका मतलब सड़क कच्ची है। तो जब मानचित्र पर आपको ऐसी रेखाएं दिखेंगी, तो आप समझ जाना कि इस एक क्षेत्र में कच्ची सड़क है। देखो बच्चों, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और जिला सीमा। तो पहली वाली सीमा है अंतर्राष्ट्रीय। इसमें जो लाइन है उसके साथ एक बिंदी है और ये लाइन और बिंदी जो है आकार में मोटी है, जबकि राज्य की सीमा की जो प्रतीक है उसमें लाइन और बिंदी जो है थोड़ी सी कम मोटी है, और जो जिला की है उस प्रतीक में तो बिंदियां गायब हो गई हैं और लाइन बिल्कुल पतली हो गई है। आओ बच्चों, तीसरा देखें, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं वो नीले रंग में दिखाए गए हैं, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है, तो नदी जो है वो नीले रंग में है, कुआं जो है काले रंग में है, तालाब भी नीले रंग में है।
नहर दिख रही है आपको काले रंग में और पुल भी आपको काले रंग में। रंगों का भी ध्यान रखना है बच्चों, जहां पर जो रंग है वही रंग दिखाना है। अब अगला है हमारा मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। आप देख सकते हो इनके प्रतीक चिन्ह भी। गिरजाघर में ऊपर क्रॉस का चिन्ह है, मस्जिद में भी गुबंद बना हुआ है और उसके आसपास क्रॉस का चिन्ह है, छतरी में ऊपर सिर्फ गुंबद बना हुआ है और मंदिर में ऊपर एक ध्वज दिख रहा है। अगला देखें बच्चों, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। इसमें आप देख सकते हो बच्चों चिन्ह जो है वो अक्षर हैं, जैसे PO पोस्ट ऑफिस के लिए, PTO पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए और PS पुलिस स्टेशन के लिए। जैसा मैंने आपको ऊपर रेलवे स्टेशन में बताया था ठीक वैसे ही, पर ये सब काले अक्षर में हैं। अगला देखें बच्चों, बस्ती, कब्रिस्तान। बस्ती को लाल रंग से दिखाया जाता है, बस्ती का मतलब यहाँ पर घर है, लोग रहते हैं, और कब्रिस्तान मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है मरने के बाद। अगला है हमारा पेड़ और घास। आप इनके प्रतीकों को देख सकते हैं, ये बिल्कुल साधारण पेड़ और घास ही बनाए गए हैं, बस इनको हरे रंग से दर्शाया गया है। तो बच्चों आपको रूढ़ चिन्ह समझ आ गए होंगे। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों के लिए उपयोग किया जाता है। आओ बच्चों अब हम अपना अगला उपविषय देखें, रेखाचित्र। ये रेखाचित्र क्या होता है बच्चों? रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। जैसे कभी कभी आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हो और मित्र आपको अपने घर आने का रास्ता बताता है, जानकारी देता है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बनाता है कि ऐसे आना, फिर एक पेड़ आएगा, फिर यहाँ से मुड़ जाना, फिर एक मंदिर आएगा, फिर आगे सीधा जाना, वहाँ पर मेरा घर होगा। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से बनाया जाता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो बच्चों अगला उपविषय जाने वो है खाका। क्या होता है बच्चों? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। जैसे जब किसी को अपने घर का नक्शा बनाना होता है तो वो खाका बनाते हैं और अपने कमरा, अपने रसोई घर, अपना स्नानाघर सबकी लंबाई चौड़ाई उसमें दर्शाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। आओ बच्चों मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ आज। तो बच्चों पहला प्रश्न, मानचित्र की परिभाषा बताओ। दूसरा प्रश्न, मानचित्र और ग्लोब में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न, मानचित्र और खाका के बीच अंतर बताएं। ये तीनों प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के लिए देती हूँ और कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। तो बच्चों बताओ मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से हैं? सही उत्तर है दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला प्रश्न बच्चों, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? सही उत्तर है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगला प्रश्न बच्चों बताएं मुझे, ये है विकल्प वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा थीमेटिक मानचित्र, तीसरा राजनीतिक मानचित्र। तो बच्चों सही उत्तर क्या होगा? मैंने आपको बताया था ना, जहाँ वितरण दिखाते हैं उस मानचित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। बिल्कुल सही कहा बच्चों, शाबाश। अगला प्रश्न, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? पहला जलाशयों,
दूसरा पर्वतों या तीसरा मैदानों। तो बच्चों आपको याद होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था नीला रंग क्या दिखाता है हमें, नदी पानी, है ना। तो सही उत्तर होगा जलाशयों के लिए। अगला प्रश्न, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है पहला प्रतीकों को दिखाने के लिए, या मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या दूरी मापने के लिए। सही उत्तर है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न, पैमाना आवश्यक है पहला मानचित्र के लिए, दूसरा रेखा चित्र के लिए, और तीसरा प्रतीकों के लिए। सही उत्तर है मानचित्र के लिए। आओ बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रतीकों वाले प्रश्न पूछूं। तो बच्चों चित्र 4.4 देखो, ये सुंदरपुर गांव है और इसके आसपास का क्षेत्र है। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पर जो नदी के पास जो आकृति है ये किस चीज की है। आपको प्रतीक याद तो होंगे, देखो ऊपर ध्वज बना हुआ है, मैंने आपको कहा था जिसके ऊपर ध्वजा हो वो मंदिर का प्रतीक है। अच्छा बच्चों नदी के साथ तो मंदिर है, पर ये मंदिर के साथ ही जो आपको रेखा दिख रही है कटी कटी सी, ये किस चीज का प्रतीक है। याद करो, शाबाश, याद आया कुछ। ये कच्ची सड़क का प्रतीक है। आप देख सकते हो कच्ची सड़क जो है वो पक्की सड़क और नदी को जोड़ रही है। अब ये कच्ची सड़क के नीचे आपको ये टोकरी जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, कब्रिस्तान, है ना, याद रखना। अब बच्चों आप ये देखो PTO लिखा हुआ है, इधर PS लिखा हुआ है, इधर RS लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब होता है। हाँ हाँ कोशिश करो, शाबाश। PTO मतलब पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, PS मतलब पुलिस स्टेशन, और RS मतलब रेलवे स्टेशन। शाबाश बच्चों। बच्चों ये डब्बे डब्बे से क्या बने हुए हैं लाल लाल, ये किस चीज के प्रतीक है बच्चों, बताओ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश, शाबाश। ये प्रतीक हैं बस्तियों के, इसका मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं। आप देख सकते हो इसके नीचे लिखा हुआ है बसंतपुर, इधर लिखा है ढुमरी, इधर लिखा है सुंदरपुर, ये सब गांव है और ये इनके सबकी बस्तियां हैं, घर हैं। अच्छा बच्चों ये बसंतपुर के नीचे जो रेखा बनी हुई है जिसके ऊपर कट कट से लगे हुए हैं, ये क्या है बच्चों, रेलवे स्टेशन के पास क्या हो सकता है ये, सोचो सोचो। बिल्कुल सही, ये है मीटर गेज की रेखा, इसका मतलब यहाँ से एक रेल जाती है। तो बच्चों सबसे ऊपर आप देख सकते हो उत्तर लिखा हुआ और एक तीर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि मानचित्र में जहाँ उत्तर लिखा होता है वो उत्तर दिशा होती है, तो ये उत्तर दिशा है। और उत्तर के बिल्कुल ठीक नीचे जो है जहाँ नदी दिख रही है आपको, वो हमारी दक्षिण दिशा है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रतीक चिन्ह समझ आ गए होंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा, मानचित्र के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और मानचित्र में जो दिशाएं हैं उनका महत्व भी आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो।